नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। प्रदूषण के मारे दिल्ली का हाल बेहाल है और हमारी सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट नित नए फैसले देकर प्रदूषण से लड़ने का रास्ता दिखा रहा है, मगर सरकारें इसमें कुछ भी करके राजी नहीं है। दिल्ली की आबो हवा प्रदूषण के हर खतरनाक स्तर को पार कर गई है, तो सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के ये कहने में लगी है कि उस सरकार की वजह से हमारे यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला देते हुए दिल्ली में दिवाली के मौके पर चलने वाली आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है, और दूसरे फैसले में दिल्ली में पुरानी डीजल व पेट्रोल की गाड़ियों पर भी बैन लगा दिया है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन 1 से 10 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है और दिल्ली सरकार ऑर्डिनेंस पर भी विचार कर रही है। कोर्ट तो अपने तरफ से नित नए फैसले दे रहा है, मगर दिल्ली सरकार की सारी सिविक एजेंसियां जमीनी धरातल पर लागू नहीं करवा पा रही। एक तरफ तो दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार करता जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं जिनमें की आग लगी हुई है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, यह है वजीराबाद गांव का जमुना के किनारे का पुश्ता रोड। यहाँ पे देखिए कैसे कूड़े में आग लगी हुई है और इसकी वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है। इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है किसी को नहीं पता। क्रिकेटर गौतम गंभीर अक्सर देश और समाज के जुड़े मुद्दों पर अपनी राय बेवाकी से रखते हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली में पड़े प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सरकार पर ट्वीट करके उन्होंने ऋषि कपूर के गाने दर्द दिल का सहारा लेते हुए तंज कसा है। दर्द दिल दर्द जिगर दिल्ली में जगाया आपने, पहले तो यहाँ ऑक्सीजन था ऑक्सीजन भगाया आपने। देखते हैं दिल्ली की सिविक एजेंसियां प्रदूषण को रोकने में कितना कामयाब होती हैं।